ओके, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग माई न्यू चैनल यू दिस यस। एंड आज का वीडियो स्पेशल बनने वाला है क्योंकि मेरे बेस्ट एंड फेवरेट टॉपिक भी बनने वाला है, वो है ड्राइंग एंड स्केचिंग। एंड ये स्पेशल वीडियो बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल मेरे भाई को बुलाया है, जो कि रिसेंटली उसने बहुत अच्छा ड्राइंग सीख लिया है एंड बहुत मस्त मस्त बनाता है, तो उनका वेट करते हैं। एनीवेज गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द माय चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड उसके लिए वेट करते एंड वीडियो कंटिन्यू करते थे। वो जस्ट अभी घर से निकला है, उसको पहुँचते पहुँचते अराउंड 20 to 25 मिनट्स लग जाएंगे, तो तब तक वेट करते देन आते कि कंटिन्यू करते वीडियो। बोलता है मैं कैमरा शाय हूँ मैन, तुझे आज कैमरा फेस करना सिखा दूंगा मैं। उधर देखा क्या, उधर देख, सब नाम निकला हमारा। वीडियो लेने का आज, इधर लेने का कि उधर? इधर बैठाएंगे आज हमारा आर्टिस्ट को। तो इतना शर्मा क्यों रहा है? तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम स्वरूप दास है और मेरा एक आर्ट अकाउंट है, मेरा आर्ट चैनल है। इसका एक और दो, एक यूट्यूब चैनल है, दो इंस्टा अकाउंट है, एक इसका ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है, एंड इसका एक ड्राइंग जो स्केचेस जो अपलोड करता है उसका एक इंस्टा अकाउंट है। तो दोनों अकाउंट मैंने डिस्प्ले पे दे दिया है, जहाँ फॉलो करो, जहाँ चेकआउट करो, जो भी है स्केचेस अभी तो दिखाने वाला ही हूँ सब, बट क्या है डोरों के साथ कहा दिखे आएगा एक भी हाँ नहीं देखा है ना, अभी देखते हुए दिखाएगा। 100 रुपये एक एक करके निकाल, आप लोग राहुल का रिएक्शन कैप्चर करेंगे एक एक। मैंने सब देखा है, राहुल को दिखाते। तो इतना मेहनत क्यों कर रहा, आराम से बैठ जा। ये पेंटिंग से चालू है, स्कूल टाइम में बनाया था। स्कूल टाइम में कलेक्शन में रहता है? अच्छा, कलेक्शन में। ओके, स्कूल टाइम में बनाया था ये बच्चे ने। मैंने ऐसा ना आज तक मेरे एक भी ड्राइंग को मैंने संभाल के नहीं रख पाया हो, अरे उतार देते पंखा कोई। अरे अरे पेंटिंग से एक एक तू देखो, मेरे को दिखाते जा, मैं ये लोग को सामने दिखाता हूँ। हाँ, ये पेंसिल स्केच है पूरा। कैमरा में अलग लग रहा है, कैमरा में मतलब लग रहा है स्केचिंग, पर मेरे सामने ना हाथ में ये स्केच नहीं लग रहा है, मेरे को पूरा ओरिजिनल फोटो दिख रहा है। देखा नेक्स्ट, ये मेरे कॉलेज का एक दोस्त है, वो भी यूट्यूबर है। मैंने ना इसको ना जानबूझ कर ना मैंने इसको ना बुलाया, मेरे को इसके ना सब स्केचेस दिखाने थे मेरे को। ओ हो, कितने का नोट है ये? 2000 काशी, तो तू 2000 रुपये लग रही था नोट से देखते हैं भाई साहब। एक एक डिटेलिंग देखो यार, ये एंग्री बर्ड, ये पेंसिल कलर ना? हाँ, सुपर प्रो। ये मेरे को पूरा 3D दिख रहा मैन। ये तो जब भी बना रहा था ना तभी यूट्यूब पे, जब ये देख पहले इतना इतना करके डाला इसने, इतना करके डाला इसने, फिर ये करके डाल रहा था ना, बैठ बैठ के मैं डाल, कभी डालेगा पूरा वीडियो भाई। ओ मैन, ये तो हम लोग कैसा बना सकते हैं ये तो। बट तू कोर्स तो कुछ किया नहीं ना? नहीं, ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का असर है ना सब? हाँ, सब लॉकडाउन में है, स्पाइडरमैन का छोड़ के। मैं डिटेलिंग में देख यार, मैं को सही लगा यार ये। ओ बोल 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 वचन, पूरा मैं स्कैन कर रहा हूँ वाले, सब लोग अच्छे से देख पाए। ओ हो, ये जाना पहचाना लग रहा है मेरे को, कोई तो मूवी में देखा इसको, मार्वल के, मार्वल नहीं अपना वो रॉक भाई, रॉक भाई शकावत भाई। इसमें फोटो इसमें बराबर दिख रहा है, स्केच लग रहा है, और मेरा ऐसा सामने लग रहा है ना, ऐसा सामने खड़ा है वो।
इतना रियल दिख रहा है मेरे को। कहीं भाई को ट्राई किया क्या, अपने भाई को? तेरा भाई भी बनाता है ना, सिखा रहा है ना तू उसको? हाँ, वो पेंटिंग ज़्यादा करते हैं। ये रिसेंटली गया है, ये रिसेंटली बिका है ना? हाँ, एक और पीस बनाया। ये एक और पीस, अच्छा उसको दूसरा पीस बना के दिया कितने? अच्छा किधर रहता है वो? वो कोल्हापुर में रहता है। कोल्हापुर में, इधर से उसने उसको पार्सल दिया। और तो पेड़ प्रमोशन का क्या सीन है, अभी चालू है कि नहीं पेड़ वर्क का? पेड़ वर्क है ना, चालू है ना? अपना इंट्रोडक्शन दे दे पेड़ वर्क के बारे में सब। हाँ, ए4 साइज का A4 साइज से स्टार्ट होता है। ये A4 साइज है, ये 500 से स्टार्टिंग है पेड़ वर्क में। ओके ओके, पोर्ट्रेट ऐसा पूरा पोर्ट्रेट वर्क मिलेगा, 500 से स्टार्टिंग है, A4 साइज है। और ये साइज में चाहिए रहेगा तो ये साइज में अभी तक मैंने किया नहीं है। ओके, पर ये साइज में 100+600 हो जाएगा। हाँ वही, अब कलर पेंसिल वर्क का अलग प्राइस रहेगा। हाँ वो तो कलर पेंसिल का अलग ही रहेगा भाई, मैं कोई सही लगा यार। और उसके नीचे मेरे को ना कुछ लग रहा है, मेरा कोई फेवरेट वाला है बंदा, इसके नीचे कोई मेरा फेवरेट वाला बंदा है। बीबी की वाइज भुवन बाम भाई, ऐसा लग रहा है ना सही में सामने बैठा है वो, ऐसा देखेगा तो देख राहुल। हाँ, ऐसा सामने बैठा है वो भाई। इसको बोलते हैं लॉकडाउन के साइड इफेक्ट, लॉकडाउन का कुछ पॉजिटिव वर्क्स जो हम लोग ने नहीं किया, पबजी में गुजारा है। मैंने कब मालूम है ड्राइंग चालू किया वापस, मैं ये एंडिंग में जब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है ना, ये राहुल गाँव से आया तभी मेरा एंडिंग में चालू किया। ओह मैन, जब ट्रेलर आया था ना KGF चैप्टर 2 का, वो तो देखा था मैंने, तेरा वीडियो में देखा था मैंने, पोस्ट में देखा। बट माय गॉड, ये सामने मेरे को फोटो में ना ओरिजिनल दिख रहा है पूरा, आंखें देखो, आंखें मेरी। और एक कौन था, हाँ इसका एक फेमस डायलॉग है, कौन सा है वो? हाँ, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। मेरे को बाल एक नंबर दिख रहा है, राहुल बाल देख उसका, लोकी दिख रहा है यार। अपन एक काम करते, इसको पूरा ना सेक्शन फैला के ना, एक 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 लादी में एक एक रख के ना, पूरा एकदम बेस्ट वाला व्यू लेते तो फटाफट एकदम ये करते, मस्त लगेगा। इसको मैं भूल गया दिखाना, तिरछी नजर पायरेट मैन। यस, अभी ये ना मेरे को मोटिवेट कर रहा है स्केचिंग पे उतरने के लिए, ऐसा देख के ना मज़ा आ रहा है मेरे को। इसको रखते इधर, इसको रखते नीचे साइड, देन हाँ इसको नीचे छोटे वाले को इधर रख। पूरा असेंबल के इधर हम लोग एक एक लाली पे एक 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 रख के, हम लोग ऐसा लग रहा है सौरभ के आप लोग आर्ट गैलरी में आएंगे मस्त। अभी आप लोग को दिखाते हैं, आप देखो आराम से। सब एक से बढ़ के एक है। अभी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बना रहा है। क्या? रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बन रहे हैं। रॉबर्ट भी नहीं। ओके, कभी है वो? कभी आएगा? पब्लिश कब होगा? वो तो नहीं पता, 2-3 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन में पब्लिश होएगा। ओके, मेरे चैनल पे। ओके, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा सौरभ भाई का। तो सौरभ आज हमारे पब्लिक के लिए तू क्या कर सकता है आज थोड़ा लाइव? अभी तेरे ऊपर देख, पोर्ट्रेट में टाइम लगता है मालूम है, ये सब इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। उसके ऊपर वो स्केचिंग का ये जाने वाला है, तो उसको पूरा स्प्रे में जाएगा, स्प्रे कर देना इसके ऊपर तू। हाँ, ये इतना नीचे। अभी तू आज क्या कर सकता है? मेरा स्केच बना दे, मेरा फ्रेंड का फोटो। तो सौरभ इधर, हाँ तो सौरभ अभी मेरा एक स्केच बनाने वाला है लाइव आप लोग के सामने, तो उसको हम लोग टाइम लैप्स में पूरा कैप्चर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो सर तो पहले अपना आउटलाइन बना ले फटफट, देन मैं तो अपना सेटअप कर देता है, देन तो अपना चालू कर देंगे अपन। ओके, तो अब बस मज़ा लीजिए।
आउटलाइन बना लेता हूँ, वो शूट नहीं करना है। आउटलाइन बनाने के बाद जो शेडिंग करेंगे वो शूट करेंगे अपन, बराबर। तो ये शूट ये तू कर ले, फिर अपन कैमरा सेटअप कर देंगे। देन ये हमारा जुगाड़ है, इसके ऊपर हमने ट्राइपॉड लगाया, ऐसा शूट लेंगे अपन। तो अभी स्वरूप भाई का हमारे आउटलाइन कंप्लीट हो गया है मेरे फोटो का, ये ऐसा। तो अभी इसको शेडिंग के लिए लेंगे। फोटो ये वाला, ये फोटो था एंड इसका ये छूम बूम। दिस वॉज लिटरली ऑसम। ये हम अब बनाया किसने है तो बोल हमने यस। तो और वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए आज का वीडियो मैं इधर ही रखता हूँ गाइस। तो इधर तक देख लियो, तो चैनल को अगर वीडियो मज़ा आया तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड भाई का जो चैनल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक में, जाओ चेकआउट करो एंड इंस्टा में भी फॉलो करो गाइज। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए एक साथ क्या बोले मालूम है, गणपति पप्पा मौर्या बस। तो एक साथ गणपति पप्पा मौर्या। By the way, जो ये इंट्रो के लिए मैंने जो फ्रेम लिया है।